अपने दिल दे टोटे नू महज 16 साल दी उम्र च इस हालत च वेखना पवेगा, ये किसी भी मां लई जिंदगी दा सब तो बुरा सुपना हो सकता है। पर तरनवीर दी मां ते भैण लई ये अजेही हकीकत है जिस ते यकीन करना मुमकिन नहीं हो रहा। तरनवीर दी मृतक दे इस कदर खराब हो चुकी है के अंतम रीतां भी नहीं कीतियां जा सकदियां। मोहाली दे पिंड मस्तगढ़ मिल्क विच तरनवीर दी मृतक दे पहुंची तां वेड़े विच चीख चिंगाड़ा अंबर दी हिक पाल रहा सी। आखिर की कसूर सी मासूम तरनवीर दा जो उस नूं एनी बेरहमी नाल मार दिता गया, ओ भी सिर्फ कुछ पैसियां दे लई, विदेश जान दे लालच नूं पूरा करन दे लई। तरनवीर दे पिता दी मौत तो बाद उस दा पूरा परिवार बलाचौर च रहिंदा सी। परिवार कोल मोहाली विच जमीन सी जिस बारे उन्हां दा गुआंढी जतिंदर सिंह जानदा सी, ते विदेश च रहिंदी अपनी पत्नी कोल जाण लई उस नूं पैसियां दी लोड़ सी। अपराधक पिछोकड़ वाले जतिंदर सिंह उर्फ गग्गू ने अपने इसे लालच नूं पूरा करन लई शिकार बनाया 16 साल दे तरनवीर नूं। उन्होंने परौती मंगने के चक्कर से मुंडे नूं टारगेट करिया, इन्ने में वो मुंडा पकड़ हो गया। उन्हें उसी टाइम अद्धे पौने घंटे च मुंडा मार दिया, क्योंकि मुंडे ने पछाण ले सीगे भी मेरे पड़ोसी हैं, ये उन्हें मार के ही मुंडा घर आया। अपने तो घर आके उन्हें अपनी कपड़े धोए तो परा के ता कि मदर ने उसनों पुछा होना भी तू क्या है, किस तरह गड्डी साफ करी, पहला तो मनना नहीं है। फिर अपने आपे उत्थे जाके पेश हो गए, उत्थे थाने जाके भी मैं इस तरह करके वो कर। हाँ मुंडे नूं इहनूं जाणदे सीगे, वो दुध लैंदे सीगे, उन्होंने कोई दुध का काम करिया होना, ये मुंडा दुध लेने जांदा सीगा उत्थे। ਤਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮਦਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਬੈਠਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਸੀਗਾ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਪ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਪ ਕੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਵੀ ਉਸਕੇ ਕੀ। ਵਾਰਦਾਤ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਤਰਨਵੀਰ ਬਲਾਚੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਤਰਨਵੀਰ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਚਿਨ ਪਾਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਤਰਨਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਰਨਵੀਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ये एक्चुअल में जो इसका दोस्त था 29th को मॉर्निंग में आ गया था दिल्ली से, इसने फ़ोन करके उसको बुला लिया था। 29th को मॉर्निंग में आने के बाद इसको यहाँ पुराना दाना मंडी में वहाँ पे एक किराया रूम पे दे करके धर्मशाला में इसको ठहरा दिया, और उसके बाद उस दिन भी इन्होंने उसकी रैकी करी है। 29 को भी ये बच्चे को उठाने गए थे, ये कह रहा है कि मैंने उसकी 15-20 दिन से मैं रैकी कर रहा था, मुझे पता था कि बच्चा रोज़ शाम को जो है मार्केट में जाता है, तो ये उसको बुला करके 29 को भी ये शाम को 4 बजे 4:30 बजे वहाँ जा करके गंगना पुल पे उस बच्चे की रैकी कर रहे थे कि आएगा। उस दिन भी ये बच्चा आया था, लेकिन उस दिन उसके साथ एक छोटा बच्चा और भी था, तो उस दिन उन्होंने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया कि इसके साथ दूसरा लड़का हम कल देखेंगे, फिर ये उस दिन नहीं किया। उसके बाद 30 तारीख को जो है दोबारा फिर 4 बजे इसको ये आया नवाशहर से, गया जो रुका हुआ था धर्मशाला में, ये नवाशहर से वहाँ गया, ये बैठे वहाँ जा करके इन्होंने बियर वियर पी और उसके बच्चे की रैकी की। जब वो बच्चा पेंट लेने आया, जब वो वापस जा रहा था, तब इसने अपनी गाड़ी लगा करके उसको इशारा किया रुकने का, तो वो जान पहचान वाला था, वो बच्चा रुक गया। मेन मोटिव जो था इसका ये था कि ये जो जतिंदर उर्फ गग्गू है, ये इसकी ये शादीशुदा है, 1 साल पहले इसकी शादी हुई है, और इसकी बीवी जो है बाहर कनाडा में है, तो इसको भी बाहर जाना था, इसके लिए इसको पैसे की रिक्वायरमेंट थी, और इसको ये था कि इन ये जो बच्चा की फैमिली है इसके पास पैसा है, तो इनको ये था कि हम इसको उठा करके और उसको मार करके उसके बाद जो है उसके बाद रैंसम डिमांड करेंगे ताकि जो है हमें पैसा मिल जाए, और उसके बाद इन्होंने अपना काम करना था बाहर जाने का, तो ये इसके पीछे मोटिव था। दोनों अक्यूज हमने अरेस्ट कर लिए हैं। पुलिस मुताबक फड़े गए मुलजमा दे पहला भी कई फौजदारी मामले दर्ज ने,
पर विदेश जाने के चाह विच गलत रस्ता अख्तियार करने वाला मुलजम सलाखा के पिछे पहुंच चुके है। दलजीत सिंह, PTC न्यूज़, चंडीगढ़।